ठीक है, हम तो उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पालन कर रहे हैं, आज नहीं कल जो सच है सच होगा, क्योंकि सच्चाई छिपती नहीं झूठे वसूलों से और खुशबू आ सकते ही नहीं कागज के फूलों से, सच्चाई सच्चाई होती है, आज नहीं तो कल। वहां पर बाबा विश्वनाथ जी निकल गए हैं, सावन का महीना है, बाबा विश्वनाथ जी खुद अपना कार्य कर रहे हैं, सर्वे की रिपोर्ट होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे साथ वकील भी जुड़े हुए हैं। बिलाल जी, इस पूरे मामले को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि मुस्लिम पक्ष जाए हाईकोर्ट में पूरे मामले को चैलेंज करे जिस पे आपत्ति है, लेकिन दो दिन का स्टे ऑर्डर आया है सामने, अभी तक क्या आगे की कार्यवाही हो चुकी है हाई कोर्ट में भी, और ये केस मुस्लिम पक्ष के लिए कितना ज्यादा इस वक्त चैलेंजिंग होता नजर आ रहा है? एएसआई सर्वे कर रही थी, बिना किसी चीज को नुकसान पहुंचाया, और उस सर्वे में तो वो वजू खाना जो विवादित स्थल है उसको तो दूर ही रखा गया था, जो तस्वीरें हमने देखी किसी चीज से छेड़छाड़ नहीं हो रही थी, फोटोग्राफी हो रही थी, वीडियोग्राफी हो रही थी। देखिए, माननीय न्यायालय का हम स्वागत करते हैं और हमने हमेशा स्वागत किया है, चाहे लोअर कोर्ट ने सर्वे की बात की गई हो, उसके बाद जो है फिर हम लोगों उन्हें कार्बन डेटिंग की भी मांग जब हिंदू पक्ष ने की थी तो मुसलमान पक्ष ने उसको माना था, लेकिन हम ये कह रहे हैं इन लोगों ने शुरू से ही धज्जी उड़ाने का काम किया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की जो धज्जी उड़ाई है, भारत के संविधान से बना, भारत के पार्लियामेंट में बना, उसको इससे अलग करकर और उसका जो नेचर स्ट्रक्चर कैरेक्टर उसमें बताया गया है वो चेंज नहीं हो सकता 1947 के बाद, लेकिन इन लोगों ने हमेशा कानून तोड़ने की बात की है और हम लोगों ने कानून माना है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, हमने वर्शिप एक्ट 1991 का अगर आप हवाला दे रहे हैं, नहीं नहीं, तो फिर उस चीज को भी बताइए कि किस संदर्भ में आपने ये कहा है, कौन सा ऐसा फैसला आया जिसपे कानून तोड़ा गया? देखिए, कानून तोड़ने की बात ये है, जो लोग सियासत करते हैं मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासत करके आज अयोध्या वर्शिप एक्ट 1991 के अंडर नहीं आता है। अगर आपका इशारा उस ओर है तो इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आप पेशे से वकील हैं, आप बखूबी जानते होंगे सर। और जो है ताजमहल और जो है क्या कहते हैं आपको जामा मस्जिद के अंदर ये मूर्तियां दिखेने का काम कर रहे हैं, जब आपके आरएसएस के सबसे बड़े लीडर मोहन भागवत ने क्या कहा था, अरे मस्जिदों में जाइए, वहां जाकर इबादत करिए, वहां ये मत ढूंढिए मूर्ति जिसका जो है जहाँ नेचर है कैरेक्टर है, साल 500 साल से नमाज हो रही है वहां पे, हमेशा से मस्जिद थी, अब इन्होंने तोड़ के ये फलाना ढिमका एएसआई सर्वे। अरे हम कह रहे हैं कानूनी प्रक्रिया से, अभी आपको सुप्रीम कोर्ट से हमको कुछ नहीं मिला, हमने मान हम आप लोगों को मानना पड़ेगा, लेकिन आप तिलमिलाए हुए हैं जैसे बहुत नहीं, हमेशा से अगर मस्जिद थी तो किसने तोड़ दिया? एएसआई क्या कर रही है? विश्वसनीय एजेंसी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या कर रही है? यही पता लगाएगी ना, सर्वे से तो सच सामने आएगा ना कि मंदिर है या मस्जिद है। सुनिए, जो एएसआई है वो कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, एएसआई को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अगर मस्जिद के अंदर जरा सी भी दरार आ गई या कुछ गुम्मत के अंदर दिक्कत आई तो उस पर सवाल कर, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अगर इनके अंदर कुछ मसला आ गया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर उसमें सर्वे होता है, कुछ खुदाई होती, कुछ ऐसा मामला हो जाता है, उम्मत गिर गई, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, से पवन सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए, ठीक है ठीक है ठीक है। पवन सिंह जी, क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा है? दोनों पक्ष को आपने सुन लिया, सभी ने अपनी बात सामने रखी और ये कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, 2024 का जो लोकसभा चुनाव सामने आना है, तीन एजेंडे थे सीधे तौर पर, इन्होंने कहा बीजेपी के तीसरा एजेंडा ये था, तो ये तो होना ही था 2024 से पहले, एक साल से ये चीजें इस वक्त हम चल रही है, हम देख रहे हैं, क्या वाकई ये एक राजनीति का हिस्सा है? और दूसरी चीज ये भी जरा समझाइएगा, क्योंकि वर्शिप एक्ट 1991 का जो हवाला दिया जा रहा है अयोध्या के संदर्भ में, सीधे तौर पे सवाल खड़े कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसका हम पालन करते हैं, देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल नहीं, तो फिर बार बार इस चीज का राग क्यों अलापते हैं? अयोध्या का जिक्र बार बार क्यों किया जाता है अभी भी, और कहा जा रहा है कि वो छीन लिया आपने और दूसरा आप आस्था के नाम पर ये छीनने वाले हैं? देखिए, जो तथ्यों के आधार पे जो सामने प्रतीत हो रहा है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो अपने सच से भागना चाह रहा है, जो सच है वो सच यही है, जो इस समय विश्वनाथ मंदिर का जो मंदिर दिखाई देता है, जो उसका स्वरूप दिखाई देता है, वो तो अहिल्या बाई होलकर का बनवाया है। नंदी का जो प्राचीन प्रतिमा है, जो पहले की प्रतिमा है, उसका मुँह जो है वो ज्ञानवापी की तरफ है। ये लोग उस सर्वे से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उसको कन्वर्ट किया गया है, आदि विशेश्वर वाला जो मंदिर है वो वही मंदिर का स्वरूप है, किसी भी मस्जिद पे वो धार्मिक चिन्ह नहीं बने होते हैं हिंदुओं के जो कि वहाँ पे बने हुए हैं। रही बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट
ये लोग बार बार इस चीज को कहते हैं और इस मामले को लेकर के कहते हैं, लेकिन इस मामले में एक मामला पहले से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आने के पहले से रस्तोगी वाला मामला, वो भी अभी अदालत में लंबित चल रहा है, तो वो मामला अगर इसके साथ क्लब होगा तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पे लागू ही नहीं होगा। 91 में जब वो बना है उसके पहले से ही एक मुकदमा चल रहा है, और ये बात सारी कानून संगत करते तो हैं लेकिन बात केवल बातों तक रहती है। हाई कोर्ट में ये इसलिए नहीं गए क्योंकि इनको पता लग गया था कि वहाँ पे कैवियट दाखिल है, वहाँ हिंदू पक्ष की जो 5 महिलाओं की ओर से जो राखी सिंह है उनकी तरफ से ये पहले से कैवियट दाखिल हो गई है, तो वहाँ जवाब देना होगा, वहाँ इश्यू नोटिस होगा, और ये तत्काल उसको रुकवाना चाहते थे। ये प्लान के तहत इन्होंने सर्वे का विरोध नहीं किया, जिला प्रशासन ने मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में अपनी आपत्तियों को लेने से इनकार किया, लेकिन ये दुहाई भले देंगे कि न्याय पे भरोसा है, ये है वो, इसमें धार्मिक एंगल 2024 कहाँ से आ रहा है? ये मामला चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, कोर्ट का एक आदेश आया, उस आदेश के आधार पे, वो तो शुक्रवार का आदेश है, शनिवार, इतवार, आज सावन का सोमवार है, और इससे पहले एक सज्जन आस्था तो आज वहाँ लाखों लोग दर्शन कर रहे थे, लेकिन कोई उधर की ओर झांकने भी नहीं गया। जहाँ सर्वे का काम चल रहा था, सर्वे उसी तरीके से हो रहा था, सर्वे में कहा जा रहा है कि मस्जिद को उखाड़ देंगे, वैज्ञानिक ढंग से सर्वे हो रहा है, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि एक ईंट तक नहीं उखाड़ी जाएगी, जो चीज़ें हैं फिलहाल वैज्ञानिक तरीके से उसको ठीक है इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन इन लोगों की रणनीति ही ये चल रही है, बयान के सामने आया था कि एक ईंट भी नहीं लाई जाएगी, जिस चीज का जिक्र बिलाल खान ने किया है, कुछ शर्तों के तहत ही एएसआई को सर्वे की इजाजत वहां पर मिली है, फिर डर किस चीज का है? देखिए, हमारी वही बात आपसे है जो अभी हमने कहा कि ये सब घुमा फिरा के, हमें मालूम है कि ये ज्ञान बाबरी मस्जिद जो है 24 से जुड़ी हुई है, और ये एक माहौल बनाया जा रहा है अभी से कि 100 करोड़ की आस्था, ये अभी से माहौल बनाया जा रहा है। ये हमें पता है कि ये फैसला 26 को आया, कानून में विश्वास नहीं रखते क्या? मगर ये कानून में विश्वास नहीं रखते, देश के सर्वोच्च अदालत के फैसले पर भी सवाल खड़े करते हैं, विश्वास नहीं है क्या आपको? और पहली बात ये नहीं, एक सेकेंड, गुमराह मत कीजिए, आपकी ये बातें कहीं से भी लॉजिकल नहीं है मोहम्मद अफाक, आप देखिए, सुनिए, सुन लीजिए, कोर्ट जो फैसला करेगा वो मानेंगे। अरे तो फिर बार बार इस चीज का जिक्र क्यों कर रहे हैं आप? फैसला बार बार बाबरी का राग क्यों अलाप रहे हैं आप? कोर्ट ने फैसला किया, मानिए उसको ना। हमारी थी बाबरी मस्जिद, हमारी थी, हमारे दिल में है ज्ञान बाबरी, हमारे दिल में है, अब आप उसको जिस तरह से घुमाइए, 26 तारीख किसने घुमाया, ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है मोहम्मद अफाक? बार बार इस चीज का जिक्र क्यों किया जाता है? जो फैसला हुआ अयोध्या में वो कई डेटे और पड़ेंगी मैम, कई डेटे भी और पड़ेंगी, इसी तरह से ये आपकी बातों से क्लियर ये जाहिर होता है कि इस देश के कानून पे आपको ना विश्वास है, देश के सर्वोच्च अदालत के फैसले पर भी आप सवाल खड़े करेंगे। बात नहीं होगी, एएसआई जब सर्वे कर रही है उसमें दिक्कत क्या है? जाइए अदालत के दरवाजे खुले, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना आपको माइंड डाइवर्ट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि आप हाई कोर्ट का रुख कीजिए, जाइए आप वहां पर तैयारी है और कुछ नहीं है इसके अलावा। अदालत से इन मसलों का हल होगा और उस अदालत के फैसले पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं, बार बार आप कह रहे हैं बाबरी अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं आप, और यह भी कह रहे हैं कि नहीं कानून को भी मानता हूं, दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है सर? मोहम्मद अफाक, आवाज नहीं आ रही है, मोहम्मद अफाक अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, चलिए उनका रुख करेंगे। बिलाल खान बोलिए। कि जिस तरीके से मैं इन लोगों के सवाल सुन रहा था और जवाब सुन रहा था, मेरा यही कहना है देश के अंदर शांति सबसे पहले होनी चाहिए, लेकिन ये लोग वो नहीं करते जो देश में असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई का मसला है, वो उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो मणिपुर में इनको बारे में बात करना है उस मसले को उठाना ये मुद्दा नहीं है आपके देश का, शर्मसार हो चुका है जिस तरीके से नुमाइश लगाई गई इनकी सरकार के द्वारा, उस पर इनकी आंख नहीं खुलेगी, इनको ज्ञान बाबरी मस्जिद चाहिए, इनको फलाना राम मंदिर, हो गया खत्म, राम मंदिर जब आपको मिल गया तो मामला ही खत्म।
लेकिन अब ज्ञानवापी आ गए, उसके पास मथुरा। अरे यही टेंशनबाजी करते रहेंगे भाई साहब, देश का विकास कर लीजिए।